हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, क्या आप भी यूट्यूब पर कोई बिजनेस आइडिया लेकर माल खरीदने दिल्ली जा रहे हैं? तो दोस्तों, सावधान हो जाइए, दिल्ली के व्यापारी करते हैं आपके साथ फ्रॉड। जानिए कैसे। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है। कोई भी अपनी नौकरी से खुश नहीं है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं नौकरी कब तक करता रहूंगा। वो चाहता है कि मैं भी अपना खुद का बिजनेस करूं, अपना व्यापार शुरू करूं। और दोस्तों, वो अपनी महीने की तनख्वाह में से, मंथली सैलरी में से कुछ सेविंग करता है दोस्तों। और दोस्तों, वो सेविंग सालों तक करता है ये सोचकर कि एक दिन मैं इस सेविंग से अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एक कैपिटल बना के ले जाऊंगा और अपना व्यापार चालू करूंगा। और दोस्तों, यही सोचकर दोस्तों वो यूट्यूब पर सर्च करता रहता है कहीं कोई आइडिया मुझे क्लिक कर जाए, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो मुझे कोई आइडिया क्लिक करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी बात का फायदा उठाते हैं हमारे दिल्ली के व्यापारी। दोस्तों, हर व्यापारी ऐसा नहीं होता दोस्तों, मैं कुछ व्यापारियों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। दोस्तों, मैं हर व्यापारी ऐसा नहीं होता, लेकिन दोस्तों कुछ व्यापारी चाहते हैं कि नए नए लोग मेरे पास आए। और दोस्तों, इसी का मोटिव रख के वो लोग दोस्तों अपने प्रोडक्ट का कराते हैं फोटोशूट। किन लोगों से फोटोशूट करवाते हैं? वो करवाते हैं यूट्यूबर्स को बुलाते हैं अपने यहाँ। और ये जो यूट्यूबर्स रहते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स रहते हैं 50 लाख 60 लाख। उनको एक अच्छा अमाउंट देकर वो उन लोगों को अपने यहाँ, अपने वेयर हाउस में, अपनी शॉप पे, अपनी गोदाम पे अपने प्रोडक्ट्स का अच्छे से फोटोशूट करवा के, अच्छे से वो वीडियो बनवा के, उसको एडिट करवा के वो यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब चैनल पे वायरल कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जब वो वीडियो एक आम जनता, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी देखता है, सोचता है कि हो सकता है ये वीडियो मेरे लिए बना है, और दोस्तों ज्यादा बिना वर्कआउट किए, बिना उस बिजनेस को समझे, वो चला जाता है दिल्ली उन्हीं व्यापारियों के पास। दोस्तों, वो व्यापारी लगाते कैसे हैं चूना दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कैसे वो चूना लगाते हैं, मैं बताऊंगा दोस्तों। वो व्यापारी क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कपड़े और शूज में तो फर्स्ट कॉपी का माल टपा देते हैं दोस्तों। वो असली नहीं होता दोस्तों, वो फर्स्ट कॉपी होता है दोस्तों। जिन्हें खरीदना तो काफी आसान होता है, पर बेचना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और दोस्तों, दूसरा, दिखाते कुछ है, देते कुछ है, रेट कुछ लगाते हैं दोस्तों, और निकलता भी कुछ है माल में। ट्रांसपोर्ट पे जब माल आता है हमारे घर तक पहुंचता है, माल हमारी शॉप तक पहुंचता है दोस्तों, निकलता भी कुछ है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि अपनी मेहनत की कमाई यूं ही पानी में ना बहने दीजिए दोस्तों। दोस्तों, जो भी आप व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, पहले उस फील्ड के लिए पूरी नॉलेज ले लें दोस्तों, प्रॉपर वर्कआउट कर लीजिए दोस्तों, कि माल खरीदना बड़ी बात नहीं है, माल बेचना बड़ी बात है दोस्तों। माल बेचने की प्लानिंग पहले करिए, खरीदने की बाद में दोस्तों। माल खरीद तो लोगे आप, खरीद में एक पेमेंट देके 50-60 हजार का माल आप देके आ जाओगे दोस्तों, पर माल आपके घर तक भी पहुंच जाएगा, पर माल बेचोगे कैसे? ग्राहक कौन है? ग्राहक कहाँ से आएंगे? किसको बेचोगे? ग्राहक की कैटेगरी क्या है दोस्तों? पहले पूरी निर्धारित कर लीजिए, पूरा फील्ड में उतर के उसके बारे में सर्च कर लीजिए, उसके बाद ही आप दिल्ली जाने की सोचिए दोस्तों। ध्यान रखिए, जीएसटी के नाम पे भी ये तगड़ा अमाउंट आपसे बिलों में चार्ज कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों, एडवांस्ड पेमेंट देकर कभी मत फंसिए दोस्तों। अपने सामने माल देखिए, समझिए पूरा सही माल है, अच्छा माल है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो ही उन्हें पेमेंट करिए बाकी दोस्तों। बाकी आपको एडवांस भी बिल्कुल नहीं देना है दोस्तों। ये फ्रॉड बहुत चल रहा है और ये फ्रॉड बढ़ता ही जा रहा है, यही सोच के मुझे ये वीडियो यूट्यूब पर आज अपलोड करना पड़ा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए दोस्तों। आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ और भी काफी सारे वीडियोस में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।